हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैच बोल्ड। मैं हूं आनंद पांडे और हमेशा की तरह मैं आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से मैच बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैच बोल्ड पे हम एमपी पटवारी में आए हुए मैथ्स के बेहतरीन सवालों की सीरीज लेके चल रहे हैं और हम हर एक दिन इस पे उन सवालों को डिस्कस करते हैं जो कि मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी दोस्त जो भी मेरे भाई बहन पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ दोस्तों ये सीरीज हर दिन आती है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों बिना कोई भी वक्त जाया किए हुए और देखते हैं कि कौन सा सवाल आया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहला सवाल दोस्तों आज का आपके सामने, ठीक है। 10% और 30% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट निकालिए। फाइंड आउट द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30%। इसका सीधा साधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी फिर माइनस का ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। ये आपके पास जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो उसको सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला होता ही है, ठीक है। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 30, ठीक है, और माइनस का 10 इंटू 30 जो भी डिस्काउंट है उसको आप रखते जाएंगे, क्लियर। 10 प्लस 30 कितना हो गया 40, और ये कट गया 40 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास 37%। ये हो गया बच्चों आंसर, ठीक है, समझ में आया। सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ अलग से चीज करने की जरूरत नहीं है। ये है इसका आंसर 37%। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, और सवाल ऐसा है जिसको कि आप देखते ही उड़ा सकते हैं, ठीक है। इस सवाल में कोई दम नहीं है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता है। देखिए क्या बोला है, साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस टेन स्क्वायर 60। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस क्या है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। टेन 60 का मान तो आपको पता है, टेन 60 का मान क्या होता है आपका रूट थ्री, ठीक है। दिस इज रूट थ्री, और रूट थ्री है तो रूट थ्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्लियर। टेन 30 होता है 1/√3, टेन 60 होता है रूट थ्री, क्लियर। अब देखो ये है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्या हम इसको साइन स्क्वायर 63 को हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तब तक मैं इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस प्लस और ये हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं, टेन 60 का मान क्या होता है रूट थ्री, तो स्क्वायर है तो रूट थ्री का स्क्वायर हो गया, ठीक। साइन स्क्वायर 27 को वैसे ही रहने देते हैं और साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। क्यों, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये लिख दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा एक, तो ये हो गया एक, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया तीन, तो एक प्लस तीन कितना हो गया बच्चों चार, समझ में आया। तो ये सवाल बिल्कुल, मतलब इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि एक्सप्लेन करना था तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह के सवाल बच्चों पूछे जा रहे हैं जो कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है और थोड़ा कॉमन सेंस वाले भी सवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ की है क्या। देखिए बच्चों अब अगला सवाल ये पूछा है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। सवाल देख लेते हैं पटवारी में क्या पूछा है। यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद के वर्ग के बराबर है, ठीक, तथा तीसरा पद 32 है, तो छठवां पद ज्ञात करना है। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 32, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म, क्लियर। अब देखिए सवाल से घबराने की कोई बात नहीं है, बेहद ही सरल सवाल है। जीपी में आपको बच्चों पता होगा कि nth पद या nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर ar के पावर n माइनस 1, सभी को पता है बच्चों, बच्चों को पता है, ठीक। अब देखो जो इंफॉर्मेशन दिया है हम बस वही चीज करते जाते हैं। क्या बोला है, फोर्थ टर्म किसके बराबर है, फोर्थ टर्म जीपी का
पहले टर्म के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। फोर्थ टर्म मतलब हो जाएगा ए फोर, वो किसके बराबर है आपका, पहले टर्म, पहला पद क्या होता है ए होता है, इसके स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर। क्लियर। मतलब यहां से ए फोर क्या हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा ए आर के पावर 4 - 1 यानी कि 3, ये हो गया ए स्क्वायर। क्लियर। ए से ए कट जाएगा, मतलब ए का मान कितना हो गया बच्चों, आर क्यूब, ठीक है। ये अपने पास आ गया पहला। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखे रहेंगे। अब बोला है कि थर्ड टर्म मतलब जीपी का जो तीसरा पद है वो बताया है कि कितना है, 32, ठीक है। देखिए यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बताया है कि तीसरा पद दो जो है वो क्या है, वो 32 है। तीसरा पद यानी कि एन का मान हो गया 3। अब अगर 3 है तो क्या हो गया, ए इंटू आर की पावर 3 - 1 कितना हो गया बच्चों, 2, और ये कितना हो गया, 32। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ए का मान कितना है, आर क्यूब, तो यहां पे क्या लिख देंगे, आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बराबर हो गया 32, ठीक। दोनों पावर जुड़ जाएंगे, मतलब आर की पावर 5 बराबर 32 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। बेस पावर सेम है अपना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर का मान क्या हो गया, 2। समझ में आया, आर का मान अपना 2 निकल गया, आर का मान 2 निकल गया, तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, तो ए का मान क्या हो गया, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक ए का मान होगा, एक आर का मान हो गया। क्लियर। तो सवाल क्या पूछा है कि छठवां पद, छठवां पद यानी कि A6, A6 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 5, ठीक है। ए का मान कितना है बच्चों, 8, आर की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 25, 256 हो गया आपका आंसर। समझ में आया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते गया ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो और सवाल का सॉल्यूशन ये है आपके सामने। दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, सवाल टफ नहीं आ रहे हैं कुछ एक सवाल को छोड़ करके, लेकिन हाँ अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप ऐसा मत करिएगा कि कोई भी टॉपिक आप या कोई चैप्टर आप छोड़ के जाए। अगर आपने चैप्टर छोड़ा तो वो मौका दूसरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उतने ही ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेमोरी बेस्ड और जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उनको आप करिए ताकि एक भी कोना ना छूटा रह जाए, ठीक है। यही एकमात्र तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। क्लियर। सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। क्लियर। अगला सवाल दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट पे एक सवाल दिया है। एक बड़ा ही स्लाइड सा कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को बस याद रखिएगा। सवाल क्या दिया है कि रूट 4096 मतलब 4096 का रूट का वैल्यू दिया है 64, तो आपको किसका मान बताना है, रूट 4096 और ये पॉइंट करके जो भी दिया है, ठीक है ना। ध्यान से सुनते जाओ कैसे करना है। देखो अपने को वैल्यू किसका बताना है, रूट 4096, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस रूट 40.96, क्लियर, प्लस रूट 0.004096। अब मैं जो आपसे काम बोल रहा हूं बस आप उतना करिएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको यह पता है कि 4096 का रूट कितना है 64, तो आप देख पा रहे हैं दशमलव को अभी आप भूल जाइए, दशमलव को अभी आप भूल जाइए, आपको ध्यान नहीं रखना है कि दशमलव या डेसिमल कहीं भी दिया हुआ है। आपको ये दिख रहा है कि सब में 4096, 4096 और 4096 सभी में दिख रहा है कि नहीं, ठीक। अभी डेसिमल आप भूल जाइए, और 4096 का रूट कितना दिया है बच्चों, 64। यहां पे 4096 में तो कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना है, 64, ठीक है। इसका भी हम वैल्यू क्या लिख देते हैं, 64, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, और इसका भी वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 64। क्लियर, ठीक। अब बात आता है कि डेसिमल हम कहां कैसे लगाएं, तो कोई घबराने की बात नहीं, करना क्या है, यहां पे दशमलव के कितने बाद आपका लगा है, 1 और 2, 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा है, ठीक, तो 2 लगा है तो उसको हम ठीक 2 से डिवाइड करते हैं। 2/2 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1, मतलब पीछे से हमें एक डिजिट पे हमें दशमलव लगाना है, मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर, 6.4। समझ में आया। कहने का मतलब कि जितने दशमलव के बाद जितने डिजिट तक आपका लिखा गया है, यहां पे 2 डिजिट तक लिखा गया है, तो 2 को हम क्या कहते हैं, 2 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि यहां वर्गमूल के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो गया, 1, 1 यानी कि हम पीछे से आगे की तरफ लेंगे तो 4 के बाद पहला है ये, यहां दशमलव लग जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ये 64 लिखा है, यहां पे देखो दशमलव के बाद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों तक है दशमलव के बाद,
छह को भी हम किससे भाग दे देंगे, दो से, तो कितना हो गया तीन। तो एक दो और एक और कर देंगे तीन, और इस तीन के बाद लगा देंगे दशमलव। समझ में आया? तो आपके पास कुल मिला के क्या आ गया 64, 6.4 और 0.064। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर रहेगा वही रहेगी आपकी फाइनल वैल्यू। क्लियर है? इतना तो आप सॉल्व कर देंगे ऐसी मेरे को उम्मीद है, ठीक है ना। या बल्कि आप बोलेंगे मैं सॉल्व करके ही बता देता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0.4 70.4 प्लस 0.064। क्लियर है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00, तो दिस विल बी 64 एंड दिस विल बी 4, और ये हो जाएगा 70.464 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपके पास पॉइंट का फंडा था। कुछ नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रूट 4096 का आपको वैल्यू दिया है 64, आपको बताना है कि यही 4096 का किसी में डेसिमल दिया है किसी में नहीं दिया है, उसका आपको ओवरऑल वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 4096 सभी में दिया हुआ है तो सभी में आप 64 लिखते जाइए जो कि दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें तो कोई दशमलव नहीं दिया है तो इसको 64 ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल के कितने डिजिट तक है, दो डिजिट तक है, तो हमें स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो हमेशा हम दो से डिवाइड करेंगे, दो से दो को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा एक, तो पीछे से आगे की तरफ चलेंगे एक पे हम पॉइंट लगा देंगे। उस तरह से यहाँ पे कितने हैं, छह हैं, तो छह भागे दो कितना हो गया तीन, हम पीछे से चलेंगे तीन तक हम क्या कहते हैं, तीन के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो एक दो और तीन, तीन के बाद लगा देंगे पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जोड़ देंगे फाइनल आंसर आ जाएगा आपको। कैसा लगा कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ जो कि पटवारी में आया हुआ है। अगला सवाल बच्चों ये HCF के ऊपर है, सवाल देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 है, यदि उनका HCF 57 है, मतलब 57, तो संख्याओं का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखे रहिए अनुपात। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया है बच्चों 3:4। HCF क्या बोला है, HCF दिया है दोनों का कितना 57। अब आपको पता है HCF का डेफिनेशन, अगर आपको पता हो तो आप आसानी से कर लेंगे। HCF वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, समान होती है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका HCF कोई संख्या दी हुई है और पूछे कि संख्या क्या होगा, तो कुछ नहीं, संख्या होगी उन दोनों का गुणा। तो पहली संख्या होगी आपकी 57 × 3 और दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों 57 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा 171, ये कितना हो जाएगा 228। समझ में आया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, सही है, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? मतलब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं आता, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन तब भी आपको कुछ नहीं आता तो कुछ मत करिए, इसका आपस में बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 57 × 3 कर दिए 171 आ गया और 57 × 4 कर दिए तो 228 आ गया, दोनों के दोनों नंबर आपके सामने हैं। क्लियर? और रही कॉन्सेप्ट की बात, तो HCF वह नंबर होता है जो दोनों संख्याओं में समान पाया जाता है, मतलब कॉमन होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट, आंसर और MP पटवारी का सवाल का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। आप देखते हैं बच्चों एक अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल ऐसा भी नहीं कहेंगे कि टफ है, लेकिन सवाल थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट चेक करेगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स अगर आपने बस ऊपर ही ऊपर पढ़ा है तो आपको सवाल करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आप आसानी से कर लेंगे। सवाल देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है ये आपका एज का, ठीक। क्या बोला है, एक परिवार में चार सदस्य हैं ए बी सी और डी, जिनकी उम्र का अनुपात कब 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व क्या है 2:3:7:8, ठीक है, तथा उनकी वर्तमान आयु का योग। क्या दिया बच्चों, ये वर्तमान आयु, जो अनुपात दिया है वो 5 साल पहले का अनुपात दिया है और जो योग दिया है वो वर्तमान का दिया, ठीक है। तो वर्तमान आयु का योग बच्चों कितना है 140 वर्ष। फिर बोला है कि 13 वर्ष के बाद सी की मृत्यु हो जाती है, तो ए जितने वर्ष बाद सी की वर्तमान आयु के बराबर होगा तथा उसी समय के अनुसार सभी की आयु का औसत ज्ञात करें। क्लियर? अब देखते जाओ, यही सवाल इंग्लिश में, दे आर 4 मेंबर्स ए बी सी डी इन अ फैमिली हुज एजेस 5 इयर्स एगो
वेयर इन द रेशियो 2378 सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 140 ईयर्स सी डाइड आफ्टर 13 ईयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल ए बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो देखो ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता समझते जाओ जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, चार सदस्य दिए हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इनका अनुपात दिया हुआ है 5 साल पहले का। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों ये जो अनुपात दिया है ये 5 साल पहले का दिया है। ठीक है, 5 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, सवाल में जो दिया है क्लियर, लेकिन इसके साथ क्या दिया है कि वर्तमान आयु का योग दिया है 140। वर्तमान आयु का योग बच्चों कितना दिया है 140। ठीक, और ये जो अनुपात दिया है ये 5 साल पहले का दिया है, तो हम इस वर्तमान आयु को भी हम 5-5 साल हम इनके अकॉर्डिंग कर देते हैं, हम 5 साल पहले चले जाते हैं। तो अगर 1 से 5 साल पहले जा रहे हैं तो 4 का अगर करेंगे तो कितने साल पहले जाएंगे, 20 साल पहले। ठीक है, तो क्या हो गया 140-20 कितना हो गया बच्चों 120। मतलब जो उनकी आयु का योग जो वर्तमान में 140 है वो 5 साल पहले कितना हो जाएगा 120 साल। ठीक है, तो उनकी आयु का योग 5 वर्ष पहले कितना हो गया 120 साल। तो कहने का मतलब इन सबको हम जोड़ देते हैं 3, 2, 5, 7, 5, 12, 12 और 8, 20। मतलब 20 का मान बच्चों कितना है 120, तो 1 का मान बच्चों कितना आएगा 6। क्लियर, तो इन सभी की आयु बता देते हैं, देखते जाइएगा ए बी, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखते जाओ ध्यान से देखिएगा ये क्या है 5 साल पहले का है। ठीक है ना, मैं वर्तमान आयु आपको बताता हूं कैसे करना है। अगर 1 का मान 6 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 12। ठीक है, लेकिन वर्तमान आयु बोला है तो ये 5 साल पहले का है तो 12 और 5 कर देंगे क्या 17। ठीक है, ये आपका वर्तमान आयु मैं बता रहा हूं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान सुने रहिएगा। ठीक है, सब में 5-5 जोड़ते जाएंगे वर्तमान आते जाएगा। ये 3 और 6 कितना हो गया, 3 का 6 हो गया 18। 18 आपका 5 साल पहले का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बच्चों 23। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से सेपरेट कर दे रहा हूं। फिर 7 × 6 कितना हो गया बच्चों 42, और 42 और 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 47। ये वर्तमान आयु है। ठीक, डी क्या होगा 8 × 6 कितना हो गया बच्चों 48। ये सब 5 साल पहले का है। ठीक है ना, 5 वर्ष पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डी अगर 5 साल पहले 48 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8 और 5 13 53। ठीक, ये तो हो गया इनकी वर्तमान आयु। अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे। बोल रहा है कि सी जो है 13 साल के बाद मर जाता है। 13 साल के बाद मतलब क्या, अभी 47 साल का है सी, तो 13 साल के बाद मर जाता है मतलब क्या, 47 + 13 मतलब 60 साल का जब वो होगा तब सी की डेथ हो जाएगी, सी मर जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल ए बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ सी, कितने वर्ष बाद ए जो है सी की वर्तमान आयु के बराबर होगा। तो हम कितने आयु करेंगे, ये 47 है ये 17 है, मेरे को 17 को 47 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा प्लस का 30। समझ में आया। और फिर उसी के साथ पूछा है उसी समय के अनुसार सभी की आयु का औसत ज्ञात करें। ठीक है, मतलब जो मैंने यहां प्लस 30 किया है तो वही प्लस 30 हम सभी में करते जाएंगे और फिर औसत बताएंगे। ठीक, तो प्लस 30 यहां किए, प्लस 30 यहां भी किए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक जो गलती होगी इसमें, और ये भी हो गया प्लस 30। अब एक जो गलती हो सकती है वो क्या है, आप करेंगे कहेंगे कि सर इसमें भी हम प्लस 30 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस 30 करेंगे बच्चों, सी की मौत कब हो रही है, सी कब डेथ कर रहा है 60 साल में, 13 साल बाद 60 साल में मर रहा है। लेकिन अगर 30 में जोड़ दूंगा ये हो जाएगा 4 और 3 7 77 साल दिखा रहा है, जब 60 साल में जब वो मर ही जा रहा है तो 77 वर्ग का कैसे होगा, वो 77 ईयर्स का तो हो नहीं सकता है। तो मतलब 30 को हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 30 किस में जुड़ेगा, ए में बी में और डी में। इसको जोड़ देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 7, 3 और 1, 4। इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 3, 3, 2, 5। इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 3, 5, 3, 8। इन तीनों का योग कर दो और बटे 3, यही अपने को निकालना है। कर देते हैं 7 और 3 10 और 3 13। ठीक है, 5, 4, 9, 9 और 8 17 18। ठीक है, 3 मतलब 6 और 1 हो गया आपका आंसर 61। समझ में आया बच्चों, ये था पूरा का पूरा सवाल। सवाल कैसा लगा आपको, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है,
सवाल में कोई दम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल बड़ा ही बेसिक सा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आसानी से कर लेंगे, नहीं समझाएं तो दिक्कत हो सकता है। हालांकि जो मैंने समझा दिया है ये आपका बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा है। देखिए बच्चों, ये भी एक तुच्छू सा सवाल पूछा गया है पटवारी में, एजेस के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है ना, बोला है 8 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात दिया है 4-5-5, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु बोला है कितना है, 22 वर्ष है, तो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सवाल आप सब समझ गए होंगे। 8 years ago the ratio of the ages of A, B and C were 4:5:5. At present their average age is 22 years. Then what will be the ratio of their ages after 8 साल? ठीक है, तो देखो वर्तमान आयु का औसत कितना दिया है बच्चों, 22 साल। ठीक है, तो वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, 22 × 3 मतलब कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। ये है आपका वर्तमान आयु का योग, क्लियर। अब देखिए ये दिया है आपके पास जो अनुपात दिया है 4, 5 और 5, ये 8 वर्ष पहले तीनों के आयु का अनुपात दिया है। ठीक, तो 66 वर्ष ये जो है ये वर्तमान का योग है, क्लियर। अब मेरे को 8 साल पहले के हिसाब से निकालना है, तो 3 लोग हैं, तो अगर एक के लिए 8 जा रहे हैं तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक, 6 में से 4 2, 6 में से 2 4, मतलब 8 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 42। ठीक, और 8 साल पहले की आयु का अनुपात कितना दिया बच्चों, 4, 5 और 5, तो 5 4 9 और 5 कितना हो गया बच्चों, 14, और इसी 14 का मान कितना दिया हुआ है, 42, तो 1 का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, तो 8 साल पहले याद रखिएगा, ठीक ना, क्या है, ए बी और सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 8 साल पहले का है, ठीक है ना, 8 साल पहले, क्लियर। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी वैसे लिखना नहीं है। 8 साल पहले अगर 1 का मान 3 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 12, 5 का मान हो जाएगा 15 और फिर 5 का मान हो जाएगा 15, लेकिन ये 8 साल पहले का है, तो वर्तमान आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, इसमें 8 को जोड़ देना है, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20, 15 और 8 हो गया 23, और ये हो गया 23, ये हो गया इन तीनों की वर्तमान आयु। फिर बोला है कि उनकी 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी और सी की आयु का अनुपात बताना है 8 वर्ष के बाद, वर्तमान आयु 20 है तो 8 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 28 साल। ठीक है, वर्तमान 23 है तो 8 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 31, और ये भी 23 है, इसका क्या हो जाएगा, 31, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो गया, 28 31 31। समझ में आया, तो ये था बच्चों सवाल और ये था आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पटवारी का पूछा गया। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सवाल देखने में टफ लग सकता है और कुछ सवाल लग भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सवाल डुएबल है। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। आई होप आपको सेशन में मजा आ रहा होगा, और दोस्तों अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि कौन सा सवाल है एमपी पटवारी का। अगला सवाल बच्चों आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिल्क एंड वाटर के ऊपर ये सवाल है। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। किसी पात्र में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है, 35 लीटर मिश्रण निकाल कर उसे पुनः पानी से भर दिया जाता है। किससे भर दिया जाता है दोस्तों, पानी से, तो दूध और पानी का अनुपात 8:3 हो जाता है, तो वर्तमान में पानी की मात्रा आपको बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, देखिए करना कैसे है। सबसे पहले लिख दीजिए मिल्क और वाटर, इसी का अनुपात दिया है। ठीक, पहले कितना अनुपात था, 6:1। ठीक है, और बाद में कितना बच्चों अनुपात दिया है, 8:3। ठीक है, सवाल की भाषा को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, सवाल में कोई भी दम नहीं है। देखो करना कैसे है, पहले अनुपात था 6:1, बाद में क्या है, 8:3, पहला वाला मिल्क है, दूसरा वाला वाटर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको बताना क्या है, पानी की मात्रा, और बोला ये है कि 35 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है और उसको पुनः पानी से भर दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पानी को वापस डाला जा रहा है, मतलब पानी ही निकाला गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा मिल्क है
यहाँ पे 6 यूनिट है और यहाँ पे 8 यूनिट है, हम इसको बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो दूध जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है, इसको बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम करते हैं, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 3 से नहीं 4 से, 3 में नहीं होगा, इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। और इसी तरीके से इसको भी मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, ये भी कितना हो गया, 24, ये भी 24 और ये भी 24, दूध बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास नया जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 24 और 4 गुणे कितना हो गया, 4, ठीक। उसी तरीके से दूसरा कितना हो जाएगा, 24 और 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9। आप देख पा रहे हैं कि मिल्क का ऊपर और नीचे दोनों ही केस में रेशियो मतलब क्वांटिटी समान है, ठीक। अब क्या बोला है, 35 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, ठीक है ना, और वापस उतना ही डाला जा रहा है, मतलब दोबारा पानी ही डाल रहे हैं, पहले 4 था बाद में 9 है, तो जो ये गैप है, गैप कितने का है बच्चों, 5 का है, और यही जो गैप है किसके बराबर है, 35 लीटर के बराबर। क्यों? क्योंकि इतना ही पानी दोबारा डाला जा रहा है, तभी ये 4 से 9 यूनिट हो जा रहा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का 7 बार में, क्लियर। बताना क्या है कि वर्तमान में पानी की मात्रा कितनी है, ये पहले का है, ये बाद का है, और बाद में पानी की मात्रा मतलब क्या है, 9। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, एक का अगर मान 7 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 63। 9 × 7 यानी कि 63 लीटर है आपके पास, ये फाइनल आंसर। तो कैसा लगा बच्चों सवाल, इतना सही इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ और देखते हैं कि कौन सा सवाल है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, नाव धारा के ऊपर ये सवाल है, देखते हैं कि पटवारी में क्या पूछा गया है। यदि एक नाव को धारा की दिशा में किसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लगता है, तो उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कुछ कुछ शिफ्ट्स में सवाल बहुत ही आसान से आए हुए हैं, ये अभी हाल ही के कल परसों के ही सवाल हैं, ठीक है ना। तो देखिए करना कैसे है, सबसे पहली बात, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, किसी भी सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको सवाल की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आप सबसे पहला काम क्या किया करिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उसको आप साइड में लिख लिया करिए, ठीक है ना। देखिए सवाल बेहद आसान है, क्या बोला है, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में क्या है उसकी चाल, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मान लेते हैं यू, यू कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और कितना समय लग रहा है बच्चों, 3 घंटा, समय कितना दिया है, 3 घंटा, ठीक है। तो क्या इससे हम दूरी नहीं निकाल सकते, दूरी क्या हो जाएगा, u इंटू टी, मतलब 36 गुणे 3 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद बोला है कि उतनी ही दूरी को, मतलब दूरी इतनी ही है, उतनी ही दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अगला केस क्या है, दूरी, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक। दूरी कितना दिया है, 36 इंटू 3, चाल कितना बोला है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बस सॉल्व कर देते हैं, 6 से 6 बार में गया, 6 इंटू 3 क्या हो गया, 18, 18 घंटा, और यह है आपका आंसर। ऐसे ही बड़े मतलब हल्के हल्के सवाल पूछे गए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या पूछा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए ये वाला सवाल, ये वाला सवाल भी बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ठीक है ना, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो दिक्कत हो सकता है। सवाल देखते हैं, किसी आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 35 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो नए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हमेशा बच्चों एक बात याद रखे रहिएगा, इस तरह के जब भी सवाल मिलेंगे आपको, जब कभी भी प्रतिशत में दो बार प्रतिशत की संख्याएं दिख जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बार दिख रही हैं, 25% 20% दिख रहा है, और ऐसे सवालों में अगर सवाल पूछा जाए कि कितना प्रतिशत बदलाव होगा या कितना प्रतिशत चेंज होगा, ठीक, तो हमेशा उसका डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है कि प्रतिशत चेंज जो होता है या बदलाव वो होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। इस चीज को हमेशा याद रखे रहेगा, ठीक है,
कभी भी आपके पास 2% की वैल्यू मिल जाए, 2% की संख्याएं दिख जाए, आपसे बदलाव पूछे कि कितना प्रतिशत होगा, तो उसका डायरेक्ट आपका रिजल्ट होता है प्रतिशत चेंज या बदलाव बराबर होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप प्लस तब लिखते हैं जब, मतलब इन प्लस के अलावा की बात कर रहा हूं, जैसे ए और बी है, आप इसको कब प्लस मानेंगे कब नेगेटिव मानेंगे, आप प्लस तब मानेंगे जब बढ़ रहा हो, ठीक है, और जब माइनस कब मानेंगे जब घट रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं बोला है कि प्रतिशत चेंज क्या होगा। देखिए बोला क्या है कि लेंथ जो है वो 25% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यानी कि हम ए ले लेते हैं 25, ठीक है, मतलब ए का मान क्या हो गया प्लस का 25, क्लियर है। और ब्रेथ बोला है क्या 20% घट रहा है, कम हो रहा है, मतलब बी का मान क्या रख देंगे माइनस का 20। समझ में आया कैसे प्लस और माइनस लेना है। अब सीधे सीधे इसको यहाँ पे रख देना है, प्लस बी का मान क्या हो गया माइनस बी, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, या मैं इसको पूरा ही बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे नई बार कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। प्लस ए कितना है 25 इंटू का माइनस 20, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लियर, बटे 100। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस का 20 और माइनस 25 इंटू 20 बाई 100, समझ पा रहे हैं आप लोग, 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 25 मतलब 0, मतलब आपका सवाल जो है जो उसमें पूछा है कि नए क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा या क्या बदलाव होगा, तो डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट है कि कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर इज 0%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल किस तरह का है, किस कैटेगरी का है, कैसे करना है, इससे बेस्ट तरीका आप और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, साधारण सा है, बस प्लस माइनस का फंडा है, लगाइए आंसर पाइए, मस्त हो जाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या सवाल है। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है, यदि वह 10% अधिक में खरीदे और 38 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है, जब भी प्रतिशत में दिया हो तो हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण रूप से कितने की होगी 100%, ठीक है। अब देखो पहला लाइन क्या लिखा है, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेच रहा है, मतलब 100 में 10% की छूट यानी कितना हो गया बच्चों 90%, क्लियर। अब बोल रहा है कि यदि वह 10% अधिक में खरीदता है, 10% अधिक में खरीदना मतलब कि 100 पे 110%, ठीक है, और 38 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा, मतलब ऐसा होने पे कितने का लाभ हो रहा है 25% का, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 110% का 25% अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 27.5, ठीक है, प्रतिशत, समझ में आ रहा है। ये आपके पास 110% था, 25% का आपने इसका लाभ निकाला तो 27.5% हुआ, इन दोनों का हम कर देंगे योग, तो योग कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा 0.5723 और 137.5%, समझ में आ रहा है। अब देखो 90% था, 137.5% हो गया, तो ये जो बढ़ रहा है वही क्या है 38 रुपये, कहा है कि 38 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, तो इन दोनों का अंतर अगर बच्चों निकालें कितना हो जाएगा 0.57 और ये हो जाएगा 47.5%, इसका मान बच्चों कितना दिया है 38 रुपये, ठीक है। बताना किसका है, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो अगर 100% का मान निकालना है तो मैं इसे सीधे क्या लिख सकता हूँ 38/47.5 × 100। सॉल्व करके देख लेते हैं 0.5 है तो ये इधर से चला जाएगा, एक और जीरो हो जाएगा, सॉल्व करते हैं 5 का 9 बार में 45, 2 5 5 25 25 200, ठीक है, और सॉल्व करेंगे 5 का 19 बार में जाएगा 5 का 40 बार में, ठीक है, 19 का कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 × 40 कितना हो गया बच्चों 80, यानी कि 80 रुपये जो है ये है उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, समझ में आया। बेसिक परसेंटेज का इसमें कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है, आसानी से हो जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर बच्चों लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे ही सवाल घुमा फिरा करके पटवारी में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं से भी एक कोना मत छोड़िए, क्योंकि अगर जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है उन्हीं को पेपर
गेट से बाहर निकलते ही वो बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ही टफ आया था, पेपर हम नहीं कर पा रहे हैं। मान सकते हैं कि अगर 50 सवाल है या 40 सवाल है, जो भी पूछ रहा है पटवारी में, उसमें से आपके 30 से 35 सवाल होंगे ऐसे कि जो कि डुएबल होंगे, 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो डुएबल है आप एटलीस्ट वो कर तो सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन सब चीज था, जो भी अभी तक पूछा गया है मैंने सब बताया है। आई होप आपने अच्छे तरीके से इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, जिन भी बच्चों का एग्जाम है इन द नियर फ्यूचर, जिस भी डेट को, 26 अप्रैल के पहले या 26 अप्रैल तक, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। अब हम मिलते हैं अगले सेशन पे, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।